तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा, सौरभ मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है ग्रुप सी की, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। मैं स्टाफ की, हिंदी टाइपर की, कुक की, हाउसकीपिंग स्टाफ की, ठीक है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, कारपेंटर की, मेस स्टाफ की। और इस फॉर्म का फ़ायदा ये है कि आप ये दो फॉर्म भर सकते हो, मतलब ये फर्स्ट एड्रेस पे आप अप्लाई कर रहे हो, सेकंड एड्रेस पे अप्लाई कर सकते हो, तीसरे एड्रेस, मतलब दो क्या तीन चार जितने भी हैं, मतलब करीबन आप चाहो 10 फॉर्म भी भर सकते हो इसका, लेकिन अलग अलग एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है, एयरफोर्स की तरफ से अभी निकली हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। इसका एज दिया है आपका नॉर्मल एज 18 से 25 साल तक रहना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए 3 साल का आपका दिया हुआ है, ठीक है, बेनिफिट। और एससी एसटी के लिए 5 साल का, ठीक है। और ये आपका ओबीसी जो मतलब हैंडीकैप स्टाफ, मतलब हैंडीकैप हैं, उन लोगों के लिए 10 साल का बेनिफिट दिया हुआ, पर डिपार्टमेंटल भी जो एम्प्लॉई है उनके लिए भी ये छूट दिया हुआ, आप देख सकते हो। ये देखिए आपका क्वालिफिकेशन, मतलब देख सकते हैं जिस जिसके लिए मतलब मांगा हुआ है, ठीक है। जो इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए सिर्फ आपको मैट्रिक पास होना है, आपको कोई चीज़ का भी मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए, जो लेवल 1 की पेमेंट मिलेगी उसके लिए, ठीक है। और सबके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन, जो इसका मोड ऑफ़ सिलेक्शन रहेगा, मतलब बहुत लड़कों को प्रॉब्लम होता है कि क्या मोड ऑफ़ सिलेक्शन रहेगा। देखिए वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे बंदों को, ठीक है, वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे बंदों को, ठीक है। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा एलडीसी का, और जो एमटीएस का, स्टेनोग्राफर का, सबका अलग अलग एग्ज़ाम प्रोसेस है। ये सारे एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, ठीक है, उसके बाद वो लोग सिलेक्शन करेंगे। जो इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लीकेशन का, वो 30 दिन तक रहेगा। तो कल से ये ऑफलाइन फॉर्म इसकी अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कल से आप डेट काउंट कर लेना कि इसका लास्ट डेट कब तक रहेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा नीचे चलते हैं, इस वैकेंसी की और फॉर्म बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो अप्लाई मोड, ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे। और एक चीज़ याद रखना, इसको मतलब आपको हाथ से लिख के नहीं पोस्ट करना है, ठीक है, इसको आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। ये देखिए ग्रुप में लिखा है एप्लीकेशन बाई टाइपिंग द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको जो ये फॉर्म है इसको टाइप करके भेजना है वहाँ पर, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप टाइप करके भरवा लेना और एक फ़ोटो लगा देना वहाँ पर, ठीक है। और पोस्टल मतलब दो एनवलप लेना, एक एनवलप में अपना सेल्फ एड्रेस लिख के 10 रुपये का स्टैम्प लगा के, और एक में जहाँ आप भेजोगे, ठीक है, भेजने का जो एड्रेस है वो ये है, आप देख सकते हो जाते हो, ठीक है। जो भी कमांडेड में आप शेयर करना चाहते हो लोग, वो आप 10 मतलब वैकेंसी में, जो भी आप वैकेंसी का अप्लाई करोगे, ठीक है ना, उस वैकेंसी में आप इसको सेंड कर देना, ठीक है। ये इसका अप्लाई मोड है, और ये रहा उसका फॉर्म, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्म को मैं आपको बताऊँ, ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि इस फॉर्म को कैसे भरें, क्या करें, क्या नहीं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस फॉर्म को भर के एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे क्या भरना है, ठीक है। तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, अगर आप कहोगे तो मैं इस फॉर्म को भर के वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरी जगह सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा, और फाइनली आप लोग के लिए आ चुकी है एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जाकर इसका फॉर्म भर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों।